Hello friends, next topic which we are taking is physics 11th class, and the topic is that motion of a car on circular turned moon. Motion of a car on circular turned road, यानी सर्कुलर टर्न रोड पर कार की मोशन के बारे में हम स्टडी करें। तो यहां देखिए आप, मोशन ऑफ अ कार ऑन सर्कुलर टर्न रोड, आप देखें यहां पर इस डायग्राम के अंदर इस टर्न रोड पर जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड एक रोड है वो टर्न पर है, तो उस केस में जो ये कार है, ये कार किस तरीके से सेफ यहाँ मूव कर सकती है। तो इसके लिए हमारे पास में हम इस डायग्राम से देखते हैं, देयर आर थ्री फोर्सेस एक्ट्स ऑन द कार, यहाँ उस कार पर तीन फोर्स काम कर रहे हैं। द वेट ऑफ कार एमजी, कार का वेट, वेट ऑफ कार एमजी ऑन डाउनवर्ड्स, एंड नेक्स्ट सेकेंड इज नॉर्मल रिएक्शन आर विच इज परपेंडिकुलर ऑन द रोड आर, नेक्स्ट थर्ड इज सेंट्रिपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रिपेटल फोर्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द कार, यानी सेंट्रिपेटल फोर्स जो है ये कार के सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, कार सेफली सर्कुलर मोशन में एक्ट कर सके, मूव कर सके, इसके लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है वो इस रोड के अंदर की तरफ मूव करता है, एक्ट करता है। आप देखिए यहां पर परपेंडिकुलर जो नॉर्मल जो रिएक्शन आर है, ये आर के दोनों जो रिजर्व पार्ट है, कंपोनेंट जो है वो वर्टिकल इज आर कॉस थीटा एंड हॉरिजॉन्टल इज आर साइन थीटा। आपने लास्ट वीडियो में देखा था वेक्टर ए के रिजर्व पार्ट किए थे अपन ने, ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा, तो ये ए की जगह यहां आर वेक्टर है, तो ये आर साइन थीटा जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और आर कोस का जो है ये वर्टिकल कंपोनेंट है। तो आप देखें वर्टिकल कंपोनेंट आर जो है वो बैलेंस हो रहा है वेट ऑफ कार एमजी व्हिच एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ आर इज आर साइन थीटा व्हिच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रिपेटल फोर्स एमवी स्क्वायर अपॉन आर। देन this diagram we take r cos theta equal to mg, r cos theta equal to mg dono values ho rahe, and r sin theta equal to mv square upon r। aap dekhiye is r ko idhar cross mein multiplication kar diya to ye r r sin theta equal to mv square ho jayega। next equation 2 divides by equation 1, then this implies that R R sin theta upon R cos theta equal to m square upon mg, R to R cancel and m to m cancel, then R sin upon cos it means R tan theta equal to v square upon g। Now we implies that R tan theta equal to v square upon g and v square equal to R g tan theta, आप देखिए v equal to R g tan theta, ये जो है ये मैक्सिमम स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ कार विदाउट फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्पीड है, इस स्पीड में कार बिल्कुल सेफ मूव कर पाएगी। यहां देखिए टेन थीटा जो है फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज, टेन थीटा इक्वल टू म्यू एस, वेयर म्यू एस इज द स्टैटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन कोफिशिएंट दैट प्रोवाइड्स सेंट्रिपेटल एक्सीलरेशन, यहां म्यूएस जो है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है और ये हमें यहां कार जो है सेफ मूव कर सके इसके लिए सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हमारे पास में फाइनली टेन थीटा को हमने म्यू एस पुट किया, तो वी मैक्स इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी। तो ये इस तरीके से हमारे पास कार के टर्न रोड पर सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसकी सेफ मोशन हो, इसके लिए उसकी वेलोसिटी जो है वो वी मैक्स इक्वल टू रूट म्यू एस आर जी होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है।